रिलेटेड बात है, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात इसमें से इन्होंने जनाब ने कहा कि कुछ लोगों को इसके बजाय इसको रखा गया है, इसमें डायरेक्ट टीएसओ का कोई अलॉटमेंट नहीं होता है। आपकी लमरदार चौकीदार डीलर पटवारी कंसर्न पार्टी जो डीसी डोडा ने बनाई है उस में वो कंसर्न वही है, क्योंकि मैं नहीं जानता ये आदमी अमीर है गरीब है। इन्होंने चुनना है कि ये इस काबिल है या नहीं है। जो ये पार्टी हमें लिस्ट बना के देगी, वेरीफाई करके देगी, उन्हीं को हमें राशन उस हिसाब से देना है। मैं तो पर्सनली किसी को नहीं जानता, मैं चंद मोटे मोटे आदमी को जानता हूँ। बहुत अच्छा, ये कमेटी अगर इसमें वो भी इम्प्लीमेंट नहीं है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक बार कमेटी ने जो लिस्ट दी है उसके बाद मुझे कहने दो ना, उसके बाद मतलब अपने प्राइवेट कमरों में लिस्टें बनाई गई है, प्राइवेट कमरों में चोरी से लिस्टें बनाई गई है। रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, सबूत के साथ पेश करूंगा जहां भी जरूरत पड़े। बिल्कुल, ये कोई शक है वो दोबारा ऑर्डर करवा के रीवेरिफिकेशन करवा दे। वो तहसीलदार या डीसी से हमारी बाड़ी में अच्छी चलो तहसीलदार ऑर्डर होगा उसके लिए पूरे इंटीरियर ब्लेस की होगी। वो उस पंचायत की नहीं हो सकती, पंचायत की नहीं होगी। हाँ, तहसीलदार करें उसके मुझे बोली गई पहले क्योंकि पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा है। यहाँ मैंने राशन के बारे में जिक्र किया कि 5 किलो के बदले 15 या 20 किलो पर हेड मिलना चाहिए, लेकिन ये एक बात मैं भूल गया था इसी रिलेटेड कि जैसे इन साहब को मैंने ये कहना था कि यहाँ जो बीपीएल कैटागरी ऊपर से आर्डर है वो था कि